हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आप सभी के साथ में एक बेहद आसान, इंटरेस्टिंग और बिल्कुल नई डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो है कम चीज़ों के साथ में बनी हुई एक हल्का फुल्का टेस्टी सा नाश्ता बनाने की रेसिपी, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं हम। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चावल। तो यहाँ पे मैंने चावल लिया हुआ है, और आपके घर में जो भी चावल आप यूज़ करते हैं वो चावल ले सकते हैं। बस आपने चावल को वॉश कर भिगो कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिया है, जिसे मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था। तो अगर आप इस नाश्ते को सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं, तो चाहें आप चावल को रात में ही भिगो दें और फिर सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पे चावल को अच्छे से वॉश कर भिगो दिया है, और अब मैं इस चावल को ग्राइंड करने के लिए जार में डाल रही हूँ। चावल के साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ आलू। तो जितनी क्वांटिटी में मैंने चावल लिया है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 3-4 आलू लिए मीडियम साइज़ के, अगर बड़े हैं तो 2 ही लीजिएगा। और इसको मैंने बॉईल कर लिया है, छिलका उतार लिया है, कट कर लिया है पीसेज में, और चावल के साथ में ये उबले हुए आलू को मैं डालकर दोनों को साथ में थोड़े पानी के साथ में ग्राइंड कर इसका बिल्कुल स्मूथ सा फाइन पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ, देखें इस तरह से। तो बस इसी तरह से 2 बैचेज में मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा चावल ग्राइंड कर लिया है आलू के साथ में, और इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर साइड पे रख ले रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप हरे मटर लिए हुए हैं, जो कि उबले हुए मटर हैं। इसमें मैं ले रही हूँ 4-5 लहसुन की कलियाँ, और इसे भी मैं दरदरा सा ग्राइंड कर ले रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और अब यहाँ पे ये जो हमारा बिल्कुल फाइन, अच्छे टेक्सचर का, ये जो स्मूथ कंसिस्टेंसी का ये जो बैटर है चावल का, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही लाइट सा ये बैटर तैयार हुआ है, और बहुत अच्छा पिसा भी है, बहुत ही फाइन पिसना है आपने। तो अब इस बैटर में हमें कुछ चीज़ें डालनी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, एक छोटी मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाली है मैंने। इसके साथ ही मैं कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, थोड़ा सा मैं अदरक डाल रही हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए ज़रूर डालिएगा, कसा हुआ अदरक डाला है मैंने। साथ ही मैं हरा धनिया डाल रही हूँ मैं अच्छे से 2-3 चम्मच भरकर, और इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो मटर, अभी सीज़न में मटर हैं, ताज़े ताज़े हरे मटर। बस बॉयल कर आपने इसे ग्राइंड कर लेना है लहसुन के साथ में, और फिर बस इसमें डालकर आपने बहुत अच्छे से इसको मिलाना है। तो ये जो है सब्जियां मैंने इसमें ऐड की हैं, और आपके पास में जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो फ्रेंड्स, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं बस वही वही डालें, सब्ज़ियाँ जो आपके पास में हो कम बेसी कर सकते हैं आप। और सारी सब्जियों को बस बारीक बारीक चॉप करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, प्याज को बहुत अच्छा बारीक चॉप कीजिएगा, और बाकी सारी चीज़ों को कद्दूकस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, बैटर में ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा, और इसके चंक्स बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं दिखेंगे। जब सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो इसमें मैं बंद गोभी भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी डाली है मैंने, और इसे भी मैं इसमें बहुत अच्छे से मिलाऊंगी। तो बहुत ही चटपटा टेस्टी सा फुल सारी सब्जियों को डालकर ये नाश्ता जो है बनने वाला है। और अगर आपने चावल को रात में ही भिगो दिया है, या पहले से आपके पास में भिगे हुए चावल रखे हुए हैं, तो आप ये नाश्ता बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर पाएंगे। या फिर आपके पास में अगर राइस पाउडर है, चावल का आटा है, तो उससे भी आप ये बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। तो देखें सारी सब्जियां वगैरह सारी चीज़ें डालकर आपने इसको बहुत अच्छे से मिलाना है, जिससे जो है सारी सब्जियां अच्छे से मिल जाएं, और बैटर को पतला नहीं रखना है, जैसे कि कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं वीडियो में, बस वैसा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल गई हैं, तो अब मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ, जो कि 1 छोटे चम्मच है, और इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच नमक, और साथ में मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। लाल मिर्चें यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, या फिर आप कम तीखा खाते हैं, तो अपने हिसाब से मिर्चें एडजस्ट कर लीजिएगा। लाल मिर्चें चाहें तो ना भी डालें, हरी मिर्चों से काम बन जाएगा, या फिर आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और बस ये सारी चीज़ें जो हमने फ्लेवर के लिए डाली हैं, इसे भी डालकर बहुत अच्छे से मिला दीजिए। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डालकर मैंने इसे मिला दिया है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी रह गई है, वो है ये फ्रूट सॉल्ट। तो 1 बड़े चम्मच में यहाँ पे फ्रूट सॉल्ट डाल रही हूँ। फ्रूट सॉल्ट में बस इसीलिए डाल रही हूँ, ये जो हमारा नाश्ता है ये बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ज्यादा नरम, मुलायम, सॉफ्ट बने। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालें, बिना इसके डाले भी ये नाश्ता बहुत अच्छा बनता है, लेकिन डालेंगे तो बहुत ज्यादा फ्लफी बनेगा, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बनेगा, और खाने में बिल्कुल अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने डाला है। आप चाहें तो नहीं भी डालें, और बस इसको बहुत अच्छे से मिला दीजिए।
चाहिए। तो फ्रूट सॉल्ट इसमें जाकर एक्टिवेट हो जाता है और राइज हो जाता है, जिससे ये जो बैटर है बहुत ही लाइट, एयरी और फ्लफी बनता है। इसीलिए जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी बनेगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से मिलाएं और देखें बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर रेडी हो जाता है। अभी तक मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, ना ही मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि जो भी पानी लगा था मैंने चावल को जब ग्राइंड कर रही थी उसी टाइम डालकर इस तरह का टेक्सचर का बैटर मैंने रेडी कर लिया है। सारी चीज़ें मिक्स कर ये बैटर बिल्कुल रेडी है, अभी हम इसे नाश्ता बनाएंगे। तो इस बैटर से आप दो तरह से नाश्ता बना सकते हैं, तो मैं आपको दोनों ही तरीका बता दूंगी। सबसे पहले मैं इस तरह वाले पैन में बना रही हूँ जो कि अप्पे पैन कहलाता है। इसे बस हमें क्या करना है, हल्का सा ग्रीस कर लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉन स्टिक है तो इसमें ये चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से थोड़ा ग्रीस कर ले रही हूँ जिससे ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो तेल इसमें बिल्कुल ना के बराबर लगता है, और लगता है थोड़ा सा क्योंकि ये हमें ऊपर से क्रिस्पी बनाना है इसीलिए, और उसके बावजूद ये बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से सारे गैप्स को फिल कर दें आप, और इसके बाद में बिल्कुल फ्लेम को आपने सिम रखनी है, और सिम फ्लेम पे धीमी धीमी आंच पे बहुत अच्छे से आपने इसको कुक करना है। तो ये देखें कुछ 5 से 7 मिनट बाद में इसकी एक साइड पे सुनहरा सा कलर आ चुका है, और जो हमने आपको बताया था कि ये नाश्ता बहुत ही फूला फूला सा स्पॉन्जी बनेगा, पहचान इसकी ये है कि ये जो सारा मिक्सचर है वो फूल कर ऊपर आ चुका है। इसके जो हमने मोल्ड में इसे डाला था थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, तो बस इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और दोनों तरफ से इसे मैं बहुत अच्छे से सेक लूँगी। जब तक आपको ऊपर के जो सर्फेस है पूरी बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन से नहीं दिखे ना, तब तक आप इसको अच्छे से सेक लीजिए। और बहुत ही कम तेल में बिल्कुल कुछ बूंदे तेल डाली है मैंने, और उसके साथ में मैंने ये नाश्ता बनाकर रेडी कर दिया है। तो अगर आपके पास में ये पैन है फ्रेंड्स, तो आप इस पैन में ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट, डिफरेंट सा फ्लेवर और बहुत अमेजिंग, क्योंकि इसमें सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मैं इसका फाइनल आपको इसको तोड़कर दिखाऊंगी। ये देखें कितने अच्छे से ये टूट रहा है, कितना सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है क्योंकि बहुत अच्छे से सिका हुआ है, और अंदर से बिल्कुल पका हुआ है अच्छे से, लेकिन बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट है। और इसको बस आप इस चटनी के साथ में सर्व करें, बहुत ही अमेजिंग लगेगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो अभी जो दूसरे मेथड से हमें ये नाश्ता बनाना है, उसके लिए हमें थोड़े बैटर को लूज़ करना होगा, क्योंकि ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो अप्पे पैन में तो ये बन गया, लेकिन हमें जो इसको तवे पे बनाना है उसके लिए हमें बैटर को हल्का सा लूज करना होगा। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल रही हूँ, और पानी डालकर मैं इसको थोड़ा पतला कर ले रही हूँ। थोड़ा पतला करने के बाद में तवे को मैंने गरम कर लिया है, और उसके बाद में मैं इसमें एक स्कूप भर कर ये बैटर डाल दे रही हूँ। तो आप कप से डालें, लेडल से डालें, किसी तरह से बस इसे डालकर स्प्रेड कर दें और ये अपना शेप ले लेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएं। और थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा कि आपको लगेगा धीमे धीमे आँच पे कि ये बिल्कुल सिकने लगा है, और जैसे जैसे सिकेगा ये फूलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही फूला फूला सा बनता है ये, और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो बस हल्का सा तेल, कुछ बूंदे डाल दीजिए जिससे ऊपर की जो सर्फेस है इसकी क्रिस्पी बनेगी, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा स्पॉन्जी सा बनेगा। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप इसकी लिड से इसे कवर कर दें, और उसके बाद में ढक कर पकाएंगे तो कम टाइम लगेगा, और बस कुछ मिनटों में ये तैयार होकर रेडी हो जाएगा। तो बस इस तरह से मैं इसको लिड से कवर कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं इसे सिकने देती हूँ अच्छे से। तो ढककर एक तरफ से ये सिक चुका है, देख रहे हैं आप ऊपर की जो सारी सरफेस है वो ड्राई हो चुकी है, बहुत अच्छे से सिक चुका होगा नीचे से। तो अब वक्त है हमें इसे पलटने का। तो इसको बहुत ही केयरफुली किसी स्पैचुला से आप क्या करें कि बस इसे फ्लिप कर दीजिए इस तरह से। तो ये देखें एक तरफ कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, और ये फूल चुका है बिल्कुल। तो बस हमें धीमी धीमी आँच पर इस तरफ से भी अच्छे से सेक लेना होगा, और दोनों तरफ से इस तरह से सिकने के बाद में हमारा ये नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप चाहे तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। लंच बॉक्स में दें क्योंकि बहुत हेल्दी है। तो बस इसे आप ज़रूर ट्राई करें, सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाएं, या किसी भी टाइम आपको कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा हो, सब्जियों से भरपूर है ये नाश्ता, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसी तरह से आपने या तो अप्पे पैन में बनाना है, अगर आपके पास में वो पैन अवेलेबल है तो बना लें, और अगर नहीं है आपके पास में वो पैन तो क्या करें आप कि इस बैटर को थोड़ा लूज़ कर लें और इस तरह से इसके पैनकेक्स रेडी कर लीजिए, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और तेल वैसे भी कम लगा हुआ है इसमें, आप चाहें तो अगर आपका नॉन स्टिक पैन है तो तेल थोड़ा डालें या ना भी डालें तो चलेगा। मुझे पे थोड़ा उसकी ऊपर की लेयर जो है वो क्रिस्पी चाहिए, ये ड्रिजल की है तेल की, इसलिए मैं इसको तेल लगाकर सेक रही हूँ। आप चाहे तो बिना तेल के, या फिर अगर आपके पास में नॉनस्टिक भी नहीं है तो आप लोहे के जो तवे होते हैं उस पर भी बना सकते हैं। तवे को पहले गर्म कर लीजिएगा और उसको अच्छे से तेल छिड़क कर पोंछ लीजिएगा, और बस इस तरह से मिक्सर डालें, ये बैटर डालें तवे पे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने इसमें सेकना बताया बस उस तरह से भी लोहे के तवे पे भी आप सेक सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा दोनों तरह से बना हुआ ये बेहद आसान चटपटा टेस्टी सा
फुल हेल्दी नाश्ता जो है रेडी हो चुका है। इसे आप भी बनाइए अपने किचन में और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, रेसिपी ट्राई करते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी, आप सभी को पसंद आई है मेरी रेसिपी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में। चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए।